प्रशासन तो मेरा नहीं कहेगा भाई, प्रशासन तो विकास विकास के साथ ही पीटा है। इतनी विकास की छाती पीट ली प्रशासन ने कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना ही बंद कर दिया। सही कह रहे हैं, कहने के पप्पू बनाया जा रहा है, जनता को बना रहे हैं, सभी को बेवकूफ बना रखे हैं। इनको आप लोग पप्पू बना रहे हैं, उन्हीं पप्पू से आप वोट लेकर जीते हैं भाई। अब देख सकते हैं सवाल कैसे है। हाँ जी राजीव जी, कुछ कहना है? मैं भी फैमिली के साथ जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हो, खतरा है ना कहीं ना कहीं? कई बार गिर लिए लोग इसके अंदर, कई गाय गिर जाए, कभी कुत्ते गिर जाए, कभी इंसान गिर जाए, इसके अंदर कोई इलाज ही को नहीं इसका। मोटरसाइकिल पड़ जाते हैं इसके अंदर, मोटरसाइकिल भी रहे, गाड़ी भी। सवाल आपसे, बिल्कुल जायज बात नहीं, बिल्कुल जायज बात आपकी। घर मिलते नहीं? नहीं मिलते। और वहाँ जाते हैं गर्मी के आसार मिलते हैं जब भी वहाँ जाते हैं? हाँ जी, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है जी। वे बोलते हैं भाई हम चलो आ रहे हैं, आप वहाँ चलो, हम यहाँ पहुँचे, यहाँ आँख पड़े देखते रहे, उसको आना ही नहीं है, वो हालात है। बात सही कह रहे हैं, कहने के पप्पू बनाया जा रहा है, जनता को बना रहे हैं, सभी को बेवकूफ बना रखे हैं। इनको आप लोग पप्पू बना रहे हैं, उन्हीं पप्पू से आप वोट लेकर जीते हैं भाई। अब देख सकते हैं सवाल कैसे है। हाँ जी राजीव जी, आप इस खड्डे में पड़ोगे और भंडारा खा के आओ, किस काम का हो भंडारा है? जय हिंद जय भारत, मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के पुरानी सब्जी मंडी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रशासन का एक दावा निकल कर आता है विकास को लेकर। जी हाँ, जनता जनार्दन भी मान चुकी कि आपका शहर विकास की बुलंदियाँ छूता जा रहा है। आपको एक जनता जनार्दन का डेमो दे देते हैं, उदाहरण भाई हिमांशु भाई, उदाहरण भाई फिलहाल देख सकते हैं सामने आपके आंखों आगे, उदाहरण देख सकते हैं फिलहाल हिसार का हो चुका है विकास। विधायक मेयर जितने भी पार्षद है छाती चौड़ी करके चलते हैं शहर में, भाई विकास हो चुका है जनाब, विकास हो चुका है। सामने की तरफ रोड के बीच में गड्ढे देख लो, चाहे तो रोड के इस साइड देख लो, चारों तरफ विकास ही विकास। अभी हमारे साथ राजीव सरदाना जी मौजूद है, जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं। फिलहाल इनसे जान लेते हैं कि विधायक साहब का एक दावा है बहुत बड़ा, और मेयर साहब का खास तौर पर, कि भाई विकास हो रहा है शहर का, जब तक कोई बंदा इसके अंदर फिट नहीं होगा भाई तब तक खड्डा भरने वाला कौन है, सीवर है, खड्डा है, क्या है अब? नमस्कार सरदाना जी। नमस्कार जी। सरदाना जी, कहीं ना कहीं मौत का कुआं है, कहीं ना कहीं स्पष्ट मौत का ही कुआं है। प्रशासन कहता है कहीं ना कहीं, प्रशासन तो मेरा नहीं कहेगा भाई, प्रशासन तो विकास विकास के साथ ही पीटा है। इतनी विकास की छाती पीट ली प्रशासन ने कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना ही बंद कर दिया भाई। विकास नाम से खतरा हो चुका बच्चों दी भाई, जितने माँ बाप है विकास नाम ही बदल दिया, और कुछ रख लेंगे पर विकास नहीं रखेंगे जनाब। हो सकता है कोई एक आधा? बिल्कुल नहीं, इसमें तो आदमी मर सकता है अगर ये पूरा पानी में भरा हुआ हो तो। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आजकल गाड़ियों में चल रहे हैं मेयर साहब और एमएलए साहब, नीचे भी सड़क में भी चल के देखे हैं लोग कैसे चल रहे हैं? और कहते हैं हम तो खुद उतरते हैं सड़कों पर, कहाँ उतरते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए उतरते हैं इस मोहल्ले के अंदर, इस मोहल्ले में गली गली फिर के वोट मांगे मेयर ने, मुझे ध्यान है अच्छे से, ठीक है, और वोटों से लाद दी है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, हो सकता है एक आधा बंदा कोई दो तीन टपक के ऊपर चल जाए, ऐसा तो बुरा हाल है, गाड़ी है इसके मैं गलती है, उठानी पड़ती है, जैक लगा के निकालनी पड़ती है। अच्छा जी, और हम सारे दुकानदार हैं। आगे एमसी का क्या नाम है? क्या नाम इसका? पार्षद साहब का नाम तो बता दो। इसका नाम है अपने मानी। मानी? मानी, मानी जी, कोई दर्शन को नहीं देके गए उरे? दर्शन के वोट लेने आए थे, उसके बाद कहा दर्शन होते शक्ल भूल चुके मानी साहब, सुन लो पोस्टर लगवा दो भाई, बंदे शक्ल भूल चुके आप लोग। हाँ जी जी, मैं आपको बताऊँ, ये इन नेताओं की तो आदत ही है गंदी, हमें भी अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। हम ये लोग ये जिस तरह भंडारे में चले जगराते में, इनके लिए समाज सेवा यही है, हमें भी देखना पड़ेगा कि समाज सेवा क्या चीज़ है। समाज सेवा हम अपना राइट ही नहीं, अधिकार ही नहीं मांग सकते। आप इस खड्डे में पड़ोगे और भंडारा खा के आओ, किस काम का हो भंडारा है? भाई पहले एक भाई साहब जा रहे हैं बाइक पर, इनसे बोले तो। नमस्कार जी, भाई साहब कोई खतरा है वैसे आपकी जमाई को? नहीं पूरा ही खतरा है, तो बिल्कुल मोड़ पे ही है। और कितना समय हो चुका है आइडिया देखते हुए? ना आइडिया तो मैं आज पहली बार देख रहे हो? हाँ, इसको मैं आज पहली, वैसे तो गुजरता रहता हूँ, लेकिन ये तो प्योर ही डेंजरस काम हो रहा है। प्रशासन दावा करता है विकास हो रहा है शहर में, हो रहा है ऐसा विकास, चंडीगढ़ बना रहे हैं शहर को, हिसार को, चंडीगढ़ फ्लाइट उड़ गई अब तो। नहीं नहीं, इस सिलसिले में नहीं कह सकते, चलो ठीक है ये कमी है, बहुत बड़ी कमी है, डेंजरस तो है ही, लेकिन बस ये है कि इसकी प्रॉपर शिकायत हो जाए, कोई आदमी आप जैसे या कोई और आदमी इसकी शिकायत करे तो ठीक हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर सारी बात कहने के बजाय कि इसको केंद्रित कर लें जहाँ इस बात पर खड़े हैं, ये मैसेज किसी अधिकारी पर चला जाए वो ज़्यादा मच बेटर है। बाकी बात करें, मैसेज पहुंच तो जाते हैं, 10-10 बार मैसेज पहुंच चुके, जो गली वासी हैं यहाँ के 10 बार मैसेज पहुंचा चुके, पर सुनते रहे कौन? तो यहाँ के एमसी को कहो ना, एमसी कौन है? एमसी तो सोए रहे, उनकी तो नींद ही को निकल रही है। हाँ जी, हमारे जो मानी जी हैं, राजीव जी एमसी साहब सुते पड़े भाई फिलहाल के, मानी साहब इस एरिए के मानी जी। अब ये तो इन लोगों को देखना है ना भाई, ऐसे आदमी को क्यों बनाते हो आप, प्रतिनिधि क्यों बनाते हो आप?
बड़ा सवाल आप लोगों के लिए, वोटें आपने दिए पार्षद साहब को, देखो जी हमने तो पहले देख लेते हैं सोएंगे या जागेंगे। सुनो, हमने तो वोट इसलिए दिया था कि हमारे इस गली का या बटवाल डाड़ी का सुधार करेंगे। अच्छा, हमने उनको एक सुझाव दिया था, मतलब जी आप पहली बार वोट में इलेक्शन में खड़े हुए और जीत भी गए, मैं तो आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, अगर आपने बड़वाल ढाणे के नुमाइंदों का दिल जीतना है तो आपको एक बार एक काम करना पड़ेगा, आप काम करवाओ चाहे ना करवाओ, कम से कम महीने में 3 दफा आप जरूर चक्कर लगाओ ताकि लोग ये ना गए जितने बाद आया ही नहीं। अच्छा जी, ये मेरा सुझाव था, परंतु एक दो बार आए उसके बाद उन्होंने यही दर्शन ने दिया कि भैया कोई यहाँ से मैं वोट लेके खड़ा भी था या जीता भी था। वोट लेने से पहले तो ये लोग करते हैं सारी चीज़ की, हाँ भरते हैं, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं ना फिर कुर्सी अच्छी लगती है, उसमें फेविकोल की तरह चिपक के बैठ जाते हैं। अब ये तंग हो रहे हैं बेचारे, ये मोहल्ले वासी तंग हो रहे हैं, वार्ड वासी तंग हो रहे हैं, तो अपने पार्षद महोदय से कहूँगा कि आके देखे हालात। अभी वहाँ पानी खड़ा है अभी इस टाइम भी सुबह की बार से। हाँ दुकानदार, जी एक तो ये बरसाती नाला है और दूसरा इसके अंदर सीवरेज का पानी छोड़ा जाता है, कनेक्शन देख लो इसके अंदर, ये सीवर का कनेक्शन इसके अंदर, अरे डस्टबिन लगा लग रहा है। हाँ ये डस्टबिन तो है ही है, इसके अंदर सीवर कनेक्शन दे रखे लोगों ने अपने, और ये आते हैं सीवरेज वाले इसके अंदर पाइप लगा देते हैं। अच्छा, स्पेशल तौर पे तो ये सीवर बन गया, अब इसका कोई इलाज नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आप लोगों ने यहाँ के पार्षद साहब से मिलने की कोशिश की जो गली के? बहुत बार कोशिश करी पर वो मिले ही मिले हैं तो उनका बस की बात को नहीं है, आप ही कौन सके करवा भी कौन सके। एरिया के चुनिंदा पार्षद, उनके बस की बात नहीं है, जनता जनार्दन भी बोले, राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? आप मिले हो पार्षद महोदय से? उनके बस की बात नहीं है तो उनसे पूछो क्या पेंचर लगाने के लिए बने थे क्या वो पार्षद? आप पूछिए ना, सवाल भी तो आप लोग करो ना। मेरे वार्ड का पार्षद अगर ऐसे करे मैं तो पकड़ दूं उसका हाथ, पकड़ दूं भाई। क्या बात है, वो कहते हैं आप चलो हमारे, आप चलो हमारे, हम चल पड़ते हैं, उन्हें आना नहीं, जनता को पप्पू बना रहा बेवकूफ बना रखे और कुछ नहीं। ऐसा है भाई, जब तक हम लोग जात बिरादरी पे और रिश्तेदारी पे वोट देवेंगे तो इस तरह ही धक्के खाएंगे, ये अभी तक खाती आ रही है यहाँ की जनता, आगे भी खाएगी। मेरा एक सवाल है, जितने भी लोग हैं नहीं होते यहाँ पे इन चीजों से, भाई साहब मैं भी फैमिली के साथ जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हो, खतरा है ना कहीं ना कहीं? कई बार गिर लिए लोग इसके अंदर, कई गाय गिर जाए, कभी कुत्ते गिर जाए, कभी इंसान गिर जाए इसके अंदर, कोई इलाज ही को नहीं इसका, मोटरसाइकिल पड़ जाते हैं इसके अंदर, मोटरसाइकिल भी गिरे गाड़ी। सवाल है आपसे, हाँ जी, इसके अंदर बाइक एक्टिवा का टायर घुस सके आराम से? बिल्कुल भाई साहब, इसमें घुस जाएगा। और कोई शर्त लेता हो अगर पार्षद जी इस एरिया के, शर्त से दावा करते हैं तो भाई 5,000 की लगी एक्टिवा मैं बांट दूंगा इसके अंदर, बढ़ जाएगी जी, बढ़ जाएगी इसमें। अरे पूरी गाड़ी अलग बात है, कोई इंसान मर गया इसमें तो कौन जिम्मेवार होगा? फिर प्रशासन पैर खींचेगा अपने, कुछ नहीं, फिर उसके बाद इनके आदमी आ जाएंगे, उनके वहाँ बैठ के उनके हाथ फेर के अपना जाते रहोगे, बस कुछ नहीं है, ये तो पब्लिक को सुधरना होगा जी। कहना है मेरी मित्रा, कहना है कला पतंदरो वोट मांगने हाथ जोड़ लो, फिर इन्हें नहीं हाथ जोड़ने अपने आगे, वो हाल हो रहा है। क्यों जब वोट मांगते हाथ जोड़ के, भाई साहब मुझे वोट देना, भाई साहब मुझे वोट देना, और हम जो है ना उनको वोट देते हैं, अरे हमें अब हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, भाई साहब काम कराओ, भाई साहब काम कराओ। जब तक संविधान में इनको समाज सेवी बनाया बताया गया, हम ही लोग इनको भगवान बना देते हैं, इनको लाओ, इनका घेराव करो, इनको ले आओ, यहाँ कोई मर गया कौन जिम्मेवार होगा? समाज सेवा वाले नहीं बता रहे, काहे के समाज सेवा है, कुर्सी पे चिपके बैठे कोई मतलब नहीं, खुद की सेवा तो होती हुई जरूर दिख रही है। एक भाई साहब फिलहाल नमस्कार जी, आपके सामने गाड़ी खड़ी है। कोई इलाज ही बता दो इनको, इन्होंने पार्षद साहब से मिलना है, कोई इलाज है आपके पास? नहीं ये मेरे पास नहीं है, कोई देख लो, कोई आइडिया, वीडियो कॉल कर ले करो जनाब, मैं ये आइडिया देता हूँ, वीडियो कॉल कर लो, राजीव जी गलत कह रहा हूँ भाई, घर जाते ना मिलते नहीं, ऐसा लोगों का कहना है, सही बात है? बिल्कुल जायज बात, नहीं बिल्कुल जायज बात, घर जाते ना मिलते नहीं, नहीं मिलते, और वहाँ जाते हैं घर में क्या तो, दर्शन मिलते हैं जब भी वहाँ जाते हैं, हाँ जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है जी। अच्छा। वे बोलते हैं भाई हम चलो आ रहे हैं, आप वहाँ चलो, हम यहाँ पहुँचे, यहाँ आँख पड़े देखते रहे, उसको आना ही नहीं है, वो हालाते हैं। मैं बात सही कह रहा हूँ, कहीं पप्पू बनाया जा रहा है, जनता को बना रहे रखे, सभी को बेवकूफ बना रखे, जिनको आप लोग पप्पू बना रहे हैं उन्हीं पप्पू से आप वोट लेकर जीते हैं भाई, अब देख सकते हैं सवाल कैसे है। हाँ जी राजीव जी कुछ कहना चाहेंगे विशेष टीम ने आखिरी कोई? कहना तो यही है भाई, पब्लिक को जागरूक होना चाहिए पड़ेगा, जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये लोग ऐसे पागल बनाएंगे। थोड़ी बारिश आई है, अभी पानी पड़ा है, 1 घंटे पहले आता आपको इतना पानी मिलता है, विशेष दरार, वही दरार, ये इनने पाइप डालने वास्ते थोड़ी काटी थी
उसके बाद में हम 6 बार ये रोले डाल के ठीक कर दिया। अब फिर ये हो गया इस सीवर के और इस कनेक्शन इसमें डाला के हमने बर्स पानी के वास्ते। खतरा तो इसमें खतरा तो ऐसा खतरा है कि अगर बारिश के टाइम में अगर ये पानी भरा हो बंदे का क्या हो पता ही नहीं लगेगा। अगर व्हीकल पे हो तो और भी ज़्यादा चोट लगेगी। और रही बात यहाँ की, यहाँ पे तो हर टाइम इतना ट्रैफिक जाम रहता है सिर्फ इसकी वजह से ही। साल भर से ऊपर हो गया है यहाँ पे झेलते हुए देखते हुए, लेकिन अभी तक इसका कुछ पता नहीं है कब ठीक होगा कब नहीं। नमस्कार जी, खतरा है कुछ भी खतरा कौन है मेरे तो खतरा कौन लग रहा? यहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरा है जी, कोई भी व्हीकल आएगा ये सीधा खड्डे में अंदर जाएगा। तो प्रशासन इतना ढीला क्यों चलता है, क्या कारण मानते हैं? प्रशासन की कमजोरी है ये। आप इसीलिए क्यों? हाँ जी बिल्कुल। पार्षद साहब का नाम पता है जी आपको? यह पार्षद का अनिल मानी है जी। अनिल मानी जी, और तो कह रहे हैं कि अनिल मानी को देखा है, अरसा हो चुका है, मानते हो? ऐसा निकलते हैं जनता की सेवा के लिए, बताएं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अच्छा जी, वो तो ना तो आते हैं ना कुछ पैसे। अब कुछ टाइम पहले ही यहाँ की बात है भाई साहब। नमस्कार जी, जागरूक नागरिक है देश के, हो या नहीं जी? बिल्कुल खतरा है भाई साहब, वैसे या नहीं है? बहुत खतरा है भाई साहब यहाँ पे तो। मैं भी परसों गिरते गिरते बचा हूँ। अच्छा, और पानी यहाँ पे भरा पड़ा था थोड़ी सी बारिश में ही, तो यहाँ तो भाई साहब बहुत ज़्यादा खतरा है। बच्चे लेडीज सब आते जाते हैं, मेडिकल साथ में है। तो जनाब इस एरिया के पार्षद जी का क्या नाम है? मुझे नहीं पता, ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते। अच्छा जी, मतलब ध्यान नहीं देते जी पार्षद। आप दर्शन नहीं कौन देंगे, जनता ध्यान क्या देगी? राजीव जी से मैं कर लेता हूँ। राजीव जी, जनता का यही कहना है कि सर यहाँ पहले तो पप्पू बनाए जा रहे हैं, इसकी चौड़ाई कितनी पाएगी? इसकी 4 फुट तो पाएगी जी, 4 से 5 फुट होगी। हाँ, 6 बार तो हम इसको लोहे का भाई मौत का कुआं सुना था, मौत का गड्ढा पहली बार देख रहा हूँ। चौक के बीचों बीच है भाई मानसू भाई, चारों तरफ घुमा दे पहले तो कैमरा। चौक के बीचों बीच और शहर के बीचों बीच है। हाँ मेन लाइन है तो भाई, 3 से 4 सड़क यहाँ पर पड़ती है। अगर मैं बात करता हूँ मेन चौक, अगर कोई हादसा हो जाता तो प्रशासन जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है, यहाँ का MC जिम्मेवार है भाई। कहीं ना कहीं जब कोई दुर्घटना घट जाएगी, कोई व्यक्ति अगर मान ले जान से भी चला जाता है, तो प्रशासन के आदमी आएंगे जो घर के सहानुभूति दे के, 2 आंसू और 2 आश्वासन दे के बड़ी जोर से कहेंगे भाई खड्डा देंगे भरवा, अब खड्डा देंगे भरवा। जनाब पहले भरवा लो, क्यों किसी की वेट करने लग रहे होगे? ऊपर चल जाएगा तब भरवाओगे। कोई आखिरी संदेश है आपकी तरफ से साजिद जी? कोई आखिरी संदेश तो ये है कि ये जो जनप्रतिनिधि इनको शर्म आनी चाहिए, जो ये हालात कर रखे हैं शहर के, किसी कोने में चले जाओ वहीं ये हाल है। महाराज आप गरीब वासी हैं यहीं के, नगर निवासी, कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब एक ही बात जानता हूँ, वो कम से कम आए इसको इसका जब तक इसका मलबा साफ नहीं होगा जब तक कोई भी समाधान नहीं हो सकता। भाई एक मैसेज मेरा भी आप लोगों को, कम से कम पप्पू ना बन के आया करो यारो भाई, जाते हैं वहाँ पे मौके पे तो मिल के आया करो भाई, धरना मार लो चाहे। मैंने वो बोलते हैं भाई घंटा लेट आएंगे, 2 घंटे लगेंगे, इतना हम टाइम में दुकानदार आदमी खुदा थोड़ा है यार, वहाँ दुकानदार आदमी हम धरना मार के बैठ जाओ, वहाँ आएंगे क्यों, जाना पड़ेगा अब कई बार, कल नहीं तो परसों नहीं सुने हुए आपके प्रतिनिधि, कल बैठते हैं वहीं पर, वीडियो कॉल कर लो ना, दान दर्शन हो तो ठीक है जी। एक बात और बिल्कुल, ये गली देख लो आप। अच्छा जी, अगर थोड़ी सी भी बारिश आती है ना पूरे दिन पानी नहीं निकलता यहाँ पे भाई साहब। शहर कैसा हाल हो चुका है, कोई अगर कुल्ला कर दे तो बाढ़ आ जाए। मोटरसाइकिल निकालते हैं ना तो भी है ना 100 रुपए मिस्त्री को देखने पड़ते हैं। आप कितनी बार मिले MC से? मनी साहब से, मनी साहब से जी 2-3 बार मिला हूँ मैं। आपने कभी उनका दबाव देखे जिस तरह वो आपके घर यूँ आए थे, यूँ वोट मांगने यूँ आए होंगे, वोट मांगने यूँ आए होंगे, वोट मांगने आए थे ना यूँ करके आए थे, आप हाथ पकड़ो लाओ उनको। मास्टर जी साथ खड़े हैं तो उनके धरना देके बैठ जाओ। यहाँ पे जब वो पाइप गिरा रखी थी लोहे वाली, वो रात को मैंने कह के, मैं इस गली का मेंबर हूँ। अच्छा जी, मैंने कह के उठवाई थी। गली के मेंबर हो जी? हाँ जी। तो मेंबर साहब जी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पार्षद साहब कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ ट्रैक्टर लगा दिया गया है और वो प्लास्टिक की पाइप बिछा के और वो सीवरेज का पानी इसमें डाल के वहाँ से कर दिया। हालात हो चुके देश के, अच्छे दिन आ चुके भाई, अच्छे दिन आ चुके हैं। ऐसा नहीं आएगी जब तक पब्लिक जो है ना अपने अधिकारों को नहीं पहचानेगी ना, इनको जनप्रतिनिधियों को खुदा बना के रखेगी, भगवान बना के रखेगी ना, तो ये लोग ऐसे ही तंग करेंगे। हाँ जी, अच्छा जब वो मानी साहब MC बने थे उनका खुद का फ़ोन आया था मेरे पास। अच्छा जी, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, ठीक है? साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई थी गौतम जी ने। अच्छा, और MC साहब ने। अच्छा जी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, जीरो का जीरो। अगर आप फोटो ना खिंचवाते तो बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा हो सकता है। आप फोटो बड़ी करके ना यहाँ लगाओ। हाँ।
लगाओ यहाँ बड़ी करके, उसी में खुश रहना भाई। आपने फोटो खिंचवा ली, उनसे आप जाके बहस करो, आप इस शहर के नागरिक हो, आप टैक्स देते हो। मालिक मैंने यहाँ बोला था उनको, मुकेश बिश्नोई, प्रहलाद बिश्नोई, राजेंद्र बिश्नोई, सारे हम यहाँ पे मौजूद थे। जब वहाँ ट्रैक्टर खड़ा था वहाँ से उठवाई थी, SDO साहब भी आए थे, सारे फोन पे बात हुई थी, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं, कहने के बाद ये है भाई, फिलहाल देख सकते हैं शहरवासी पप्पू बनते हुए नजर आ रहे हैं सभी पार्षदों को, सॉरी सर सभी नहीं कहूँगा जनाब, इसी एरिया की अगर मैं खास तौर पर बात करता हूँ, सभी लोग पप्पू बन चुके हैं। और इन्हें पप्पू बनाता कौन है, इन्हीं के चुनिंदा पार्षद, बड़े फेवरेट पार्षद जो वोट मांगने के लिए आते हैं और वोट जनता देती भी है। अब देखने वाली बात यह है कि शहर का मेन चौक कब तक ये खड्डा भरता है और कब तक रिपेयरिंग यहाँ की होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। अगली खबर के साथ जल्द मुलाकात होगी, बने रहें RSN Express के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।